हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब से मैं हर एक वीडियो में आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और मंथ के एंड में सबसे ज्यादा जो सही जवाब देगा उसको एक वर्कशॉप फ्री में एज ए गिफ्ट मिलेगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि टाइम स्प्रेड और वॉलेटिलिटी स्प्रेड किसको बोलते हैं, तो उस सवाल का सही जवाब है कि कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड होते हैं, इनको टाइम स्प्रेड और वॉलेटिलिटी स्प्रेड बोला जाता है। तो लास्ट वीडियो में इसके काफी जवाब आप लोगों ने दिए जो कि सही थे। अब आज का सवाल, और आज का सवाल ये है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, विच स्ट्राइक प्राइस हैज द हाईएस्ट टाइम वैल्यू, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें इसका सही जवाब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि लो विक्स एनवायरमेंट में आपका ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए। जी हाँ, लो विक्स एनवायरमेंट होता है वहां पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है, जिस वजह से प्रीमियम है वो भी कम होते हैं, और क्योंकि हम बेसिकली ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो एक ऑप्शन सेलर के लिए लो विक्स एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है, क्योंकि वो ऑप्शन सेल करके काम करता है तो वो बेसिकली प्रीमियम्स को सेल करता है। अगर ज्यादा प्रीमियम मिलेंगे तो वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिलेगी उसे, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी कम होती है तो प्रीमियम्स भी कम होंगे, और प्रीमियम कम होंगे तो एक ऑप्शन सेलर की प्रॉफिटेबल रेंज है वो भी कम होगी। इस वजह से लो विक्स में ऑप्शन सेलर के लिए ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लो विक्स जो कि अभी मार्केट में चल रही है, तो लो विक्स एनवायरमेंट में आपका ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, और क्या आप लो विक्स में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो या नहीं, इसका जवाब भी आज आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स के ऊपर। इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, ये कब आपको ट्रेड करनी चाहिए, वीकलीज में आपका किस तरह का सेटअप होना चाहिए, मंथलीज में किस तरह का सेटअप होना चाहिए, और अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ता है तो आप कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स में किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, कैसे उसको मैनेज कर सकते हो, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो इट इज ए कंप्लीट मास्टर क्लास ऑन कैलेंडर स्प्रेड एंड डायगोनल स्प्रेड्स। ये वर्कशॉप कमिंग संडे को कंडक्ट होगी, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल पूछना हो, तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि लो विक्स एनवायरमेंट में आपका ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए, क्या आप लो विक्स में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो या नहीं, और क्या आपका सही सेटअप होना चाहिए, कौन सी वो स्ट्रेटजीज हैं जो आपको ट्रेड करनी चाहिए, लो विक्स एनवायरमेंट में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है, विक्स का लेवल कम होता है, तो ये डायरेक्टली ऑप्शन के प्रीमियम को इफेक्ट करता है। जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो ऑप्शन के प्रीमियम्स हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है तो ऑप्शन के प्रीमियम है वो गिर जाते हैं। तो विक्स का जो लेवल है वो ऑप्शंस के प्रीमियम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और क्योंकि हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं इसीलिए विक्स का एनवायरमेंट क्या है मार्केट में वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विक्स अगर हाई है वो तो एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत फेवरेबल चीज है, क्योंकि जब विक्स का लेवल ज्यादा होगा तो उसको हायर प्रीमियम्स मिलेंगे, उसको बेचने के लिए अट्रैक्टिव प्रीमियम मिलेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन सेलर है वो ऑप्शंस को सेल करता है तो उसको महंगे रेट मिलते हैं ऑप्शंस को सेल करने के लिए। जब भी हम किसी चीज को सेल करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको हायर रेट पे सेल करें, उसको महंगे रेट पे सेल करें, लेकिन जब हम किसी चीज को बाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो चीज हमें सस्ती मिले, कम रेट पे मिले। तो ऑप्शन सेलर है वो हाई रेट पे सेल करना चाहता है, ऑप्शन बायर है वो कम रेट पे बाई करना चाहता है। तो इसी वजह से जब वॉलेटिलिटी का एनवायरमेंट ज्यादा होता है तो प्रीमियम्स हैं वो महंगे होते हैं, और इसीलिए ऑप्शन सेलर चाहता है कि विक्स का लेवल है वो ऊपर रहे, और ऑप्शन बायर है वो चाहता है कि विक्स का लेवल नीचे रहे, क्योंकि उसे सस्ते में ऑप्शंस बाय करने को मिल रहे हैं। तो अब आपका सवाल होगा कि अभी मार्केट में विक्स का लेवल है ये कम है, तो क्या हमें यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि नहीं, आपको प्लेन वनीला ऑप्शन कभी भी बाई नहीं करना चाहिए, चाहे मार्केट में वॉलेटिलिटी का लेवल कम ही क्यों ना हो। जैसा कि अभी मार्केट में विक्स का लेवल है वो कम है, वॉलेटिलिटी काफी नीचे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेन वनीला ऑप्शन बाई करो, आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करो। नेकेड ऑप्शन बाइंग आपको कभी भी नहीं करनी है, आपको किस तरह से ट्रेड करना है ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए लो विक्स में आपको क्या करना है, लो विक्स में आपको डेबिट स्प्रेड्स को ट्रेड करना चाहिए, जहां पे हम मार्केट को एक नेट डेबिट पे करते हैं। अब डेबिट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? जितनी भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज होती हैं सारी डेबिट स्ट्रेटजी होती हैं, वहां पे हम एक नेट डेबिट मार्केट को पे करते हैं। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी जो होती है वो क्रेडिट स्ट्रेटजीज होती है, वहीं पे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज होती है ये डेबिट स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमें मार्केट से क्रेडिट मिलता है और ऑप्शन बाइंग में हम मार्केट को एक डेबिट पे करते हैं।
तो क्योंकि मार्केट में अभी विक्स का लेवल है वो कम है, तो यहाँ पे आपको डेबिट स्प्रेड्स की तरफ जाना चाहिए जहां पे हम मार्केट को एक नेट डेबिट पे करते हैं। अब ये डेबिट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं? अब देखिए बुल कॉल स्प्रेड है ये एक डेबिट स्प्रेड है, बियर पुट स्प्रेड है ये एक डेबिट स्प्रेड है, या डायगोनल स्प्रेड्स हैं, कैलेंडर स्प्रेड्स हैं, ये सभी डेबिट स्प्रेड्स हैं। यहां पे हम मार्केट को एक नेट डेबिट पे करते हैं। तो जब मार्केट में वॉलिटिलिटी का लेवल कम हो तो यहां पे आपको ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज की तरफ जाना चाहिए। अब बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड है ये प्योर ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, लेकिन कैलेंडर्स और डायगोनल्स हैं यहाँ पे हम डेबिट तो पे करते हैं लेकिन ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी नहीं है। और ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी क्यों नहीं है, उससे डिफरेंट कैसे है, ये मैंने पिछले संडे को जो वेबिनार कंडक्ट किया था, जो फ्री वेबिनार था, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो एक होती है प्योर ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बियर पुट स्प्रेड हो गया, एक होती है प्योर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी जैसे स्ट्रेडल होगी या स्ट्रेंगल होगी, और उन दोनों के बीच में ये आती है कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड स्ट्रेटजी है ये दोनों से डिफरेंट है। ये आपको लो विक्स एनवायरमेंट में ट्रेड करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग दोनों के एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको थीटा डीके भी मिल रहा है और यहाँ पे आप वेगा को बिलोंग कर रहे हो। ये दोनों चीजें ये अलग अलग होती है, एक ऑप्शन सेलिंग में आपको मिलेगी, एक ऑप्शन बाइंग में आपको मिलेगी। लेकिन जब आप कैलेंडर और डायगोनल्स को ट्रेड करते हो तो वहां पे आपको दोनों चीज कलेक्टिवली साथ मिलेंगी। इस वजह से ये स्ट्रेटजी है, इसका नेचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन लो विक्स एनवायरमेंट में ट्रेड करने के लिए सबसे सुटेबल स्ट्रेटजी अगर कोई है तो वो है कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड। तो कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स हैं ये आपको ट्रेड करने चाहिए लो विक्स एनवायरमेंट में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डेबिट स्प्रेड्स ट्रेड करने चाहिए जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बियर पुट स्प्रेड हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा अगर आप लो विक्स एनवायरमेंट में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ट्रेड करना है कैलेंडर और डायगोनल, उसके बाद आपको जाना है डेबिट स्प्रेड्स की तरफ जैसे बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। नेकेड ऑप्शन बाइंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आप यहां पे भी ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, मान लीजिए आप ऑप्शन सेलर हो और मार्केट में विक्स का लेवल है ये काफी कम आ गया है, लेकिन स्टिल आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन सेलिंग ही करूंगा, मैं डेबिट पेड स्ट्रेटजीज में बिलीव नहीं करता हूं, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं मार्केट को डेबिट पे करने में, मुझे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहां पे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे और ये चेंजेस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया जब हम ऑप्शंस को सेल करते हैं तो हम मार्केट से एक नेट क्रेडिट रिसीव करते हैं। अब ये जो क्रेडिट हम रिसीव करते हैं यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड होता है। तो जो क्रेडिट मैंने रिसीव कर लिया ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब अगर मैं ज्यादा क्रेडिट रिसीव करता हूं तो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है वो वाइड होगी, वो ज्यादा होगी, और अगर मैं कम प्रीमियम रिसीव करता हूं तो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है वो नैरो होगी। तो जब मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया वॉलिटिलिटी डायरेक्ट ऑप्शंस के प्रीमियम को इफेक्ट करती है। अगर वॉलिटिलिटी ऊपर होगी तो ऑप्शंस का प्रीमियम है ये भी ऊपर जाएगा, अगर वॉलिटिलिटी नीचे होगी तो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो भी नीचे जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ऑप्शन सेलिंग आपको हायर विक्स एनवायरमेंट में करनी चाहिए और ऑप्शन बाइंग आपको लो विक्स एनवायरमेंट में करनी चाहिए। तो वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है तब तो ऑप्शन सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस का प्रीमियम है वो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, आपको महंगे रेट पे ऑप्शंस सेल करने को मिल रहे हैं। तो हाई विक्स में ऑप्शन सेलिंग सबसे बेस्ट है, लेकिन मार्केट में क्योंकि अब विक्स का लेवल कम है तो होगा क्या, ऑप्शंस का प्रीमियम है वो आपको काफी सस्ता मिलेगा। अब सस्ते प्रीमियम को जब आप बाई करते हो तो वहां पे होगा क्या, मान लीजिए आप एक स्ट्रेंगल को सेल करना चाहते हो और विक्स का लेवल है कम, तो विक्स का लेवल कम है तो प्रीमियम है वो आपको सस्ते मिलेंगे, आपको कम प्रीमियम रिसीव होगा। आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया, दोनों आपने सेल करके एक स्ट्रेंगल खड़ी कर दी है, लेकिन आपने लो विक्स में ट्रेड किया है, इस वजह से आपने जो प्रीमियम रिसीव किए हैं वो काफी कम किए हैं, क्यों? क्योंकि विक्स का लेवल कम था इस वजह से प्रीमियम थे वो भी डिफ्लेटेड थे, प्रीमियम थे वो काफी कम थे। तो क्योंकि आपने कम प्रीमियम रिसीव किया है तो अब आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज होगी वो काफी नैरो होगी। अगर आपने हाई विक्स में सेम स्ट्राइक प्राइस को सेल किया होता, सेम स्ट्रेंगल को आपने ट्रेड किया होता तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज वाइड होती, लेकिन क्योंकि आपने इसको लो विक्स एनवायरमेंट में ट्रेड किया है तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है काफी नैरो होगी। अब अगर मार्केट में थोड़ा सा भी वाइल्ड मूव आ गया तो वो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के और लॉस मेकिंग जोन में चला जाएगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। लेकिन अगर आपने हाई विक्स में यह स्ट्रेंगल ट्रेड की होती तो मार्केट में कोई वाइल्ड स्विंग आता तो उसको आप इजीली अकोमोडेट कर पाते, क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम जो कलेक्ट किया होता वो ज्यादा किया होता और उस वजह से आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो भी वाइड होती। लेकिन लो विक्स में आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये नैरो है, अब अगर कोई मूव बड़ा आता है तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के और मार्केट उसके बाहर चला जाएगा, क्योंकि आपने मार्केट को एक नैरो रेंज दी है, मार्केट को आपने स्क्वीज किया है, अगर उस रेंज में मार्केट रहा तो ही आपको प्रॉफिट होगा और इस चीज की गुंजाइश ज्यादा होती है कि मार्केट उस रेंज को तोड़ देगा।
जितनी आपकी रेंज नैरो होगी उतने चांसेस ज्यादा होंगे कि मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जा सकता है। तो इस वजह से लोविक्स में ऑप्शन सेलिंग करना एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोविक्स में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये चेंजेस क्या है, आपको एक्सपायरीज के साथ खेलना पड़ेगा, टाइम टू एक्सपायरेशन है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप लोविक्स एनवायरमेंट में ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, ऑप्शंस को सेल करते हो, तो आप मार्केट से कम प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, तो जो प्रीमियम्स हैं वो भी आपको कम मिलेंगे। अब अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो नैरो होगी, ये चीज मैंने आपको समझा दी है। अब क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम कम है, इस वजह से मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है ये नैरो है, तो मुझे ऑप्शंस के प्रीमियम को बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं बढ़ा किस तरह से सकता हूं, क्योंकि मार्केट में विक्स का लेवल कम है, उस वजह से प्रीमियम कम है, तो मैं विक्स को तो नहीं बढ़ा सकता। विक्स जो मार्केट में चल रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं विक्स को ऊपर नहीं ले जा सकता। अब बिना विक्स को ऊपर ले जाए और मैं ऑप्शंस के प्रीमियम को किस तरह से बढ़ा सकता हूं, तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उस ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम वैल्यू को बढ़ा दूंगा। अगर उस ऑप्शन के प्रीमियम में मैं टाइम वैल्यू ऐड कर दूंगा तो प्रीमियम है ये ऊपर चले जाएंगे। अब टाइम वैल्यू मैं किस तरह से ऐड कर सकता हूं, तो देखिए नॉर्मल एनवायरनमेंट में जहां पे मैं मंथली स्ट्रैंगल को ट्रेड करता, मैं वन मंथ के स्ट्रैंगल को सेल करता, अब मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट मंथ के स्ट्रैंगल को सेल करूंगा। अब अगर मैं नेक्स्ट मंथ के स्ट्रैंगल को सेल करता हूं तो वहां पे मुझे 30 डेज की टाइम वैल्यू और मिल रही है, और ये जो 30 डेज की एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू मैं ले रहा हूं ये ऑप्शंस के प्रीमियम को ऊपर ले जाएगी। तो अगर आपको लोविक्स एनवायरनमेंट में ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको करंट मंथ में नहीं नेक्स्ट मंथ में ऑप्शन सेल करने हैं, और जब आप नेक्स्ट मंथ में ऑप्शन सेल करोगे तो आपको जो टाइम वैल्यू मिलेगी एक्स्ट्रा वो कंपनसेट करेगी जो विक्स की वजह से प्रीमियम कम है उसके लिए। तो इस वजह से मेक श्योर जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहो लो विक्स में, तो आपको करंट मंथ में नहीं करनी है, आपको नेक्स्ट मंथ में या फार मंथ में उसको ट्रेड करना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सेम काइंड ऑफ इफेक्ट मिलेगा, विक्स की वजह से जो प्रीमियम कम थे उसके लिए वो टाइम वैल्यू है वो कंपनसेट करेगी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, आप ऑप्शन सेलिंग लोविक्स में भी कर सकते हो, लेकिन ये एक छोटा सा चेंज है जो आपको करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि जब मार्केट में विक्स का लेवल कम हो तो आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाइए ही मत, और मैं आपको इवन ऑप्शन बाइंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है उसके साथ मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। तो लोविक्स एनवायरमेंट में सबसे एप्ट जो स्ट्रेटजी है वो है कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड्स, और इसीलिए नेक्स्ट संडे को जो मैं वर्कशॉप लेके आ रहा हूं वो भी इन्हीं दो स्ट्रेटजीज के ऊपर है कि कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड क्या होते हैं, उनका सेटअप किस तरह का होता है, ग्रीक्स क्या होते हैं, कैसे आप उनको यूज कर सकते हो, वीकलीज में आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, मंथलीज में किस तरह का सेटअप होना चाहिए, और कैसे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इनको ट्रेड कर सकते हो, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये सब कुछ इस वर्कशॉप में मैंने इंक्लूड किया है। तो ये वर्कशॉप है कमिंग संडे को कंडक्ट होगी, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो बेसिकली इसके पीछे का मेरा मोटिव यही है, क्योंकि मार्केट में लो विक्स चल रही है, विक्स का लेवल है वो 11-12 पे विक्स ट्रेड हो रही है, और अगर आपने ध्यान दिया हो इस लेवल पे विक्स काफी टाइम से है, और विक्स का नेचर है वो मीन रिवर्टिंग है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि विक्स यहां से ऊपर जा सकता है। और कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड में अगर आपके ट्रेड लेने के बाद विक्स ऊपर जाता है तो वो आपके लिए बेस्ट सिनेरियो है, वहां पे आपको वेगा से प्रॉफिट होगा। तो इसी वजह से ये सबसे फेवरेबल टाइम है एक कैलेंडर स्प्रेड या डायगोनल स्प्रेड को इनिशिएट करने का, और यही रीजन है कि ये वर्कशॉप मैं इस टाइम पे लेके आ रहा हूं। तो देखिए लोविक्स एनवायरमेंट होता है वो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि वहां पे ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है। जब विक्स का लेवल ज्यादा होता है वो ऑप्शन सेलर के लिए प्योर हेवन है, वहां पे जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको इन्फ्लेटेड प्रीमियम मिलते हैं। लेकिन जब विक्स का लेवल कम हो जाता है तो आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो ये मैंने आपको बताया, वहां पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, कैलेंडर और डायगोनल्स को ट्रेड कर सकते हो जो कि सबसे ज्यादा सुटेबल है, और आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है। और क्यों नहीं है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, और वो मॉडिफिकेशन क्या है वो मैंने आपको बताया कि आप करंट मंथ में ट्रेड ना करके नेक्स्ट मंथ या फार मंथ में ट्रेड कीजिए। और इससे होगा क्या, विक्स कम होने की वजह से जो प्रीमियम कम मिल रहे हैं आपको उनको आप वापस ऊपर बढ़ा दोगे टाइम वैल्यू को फैक्टर इन करके, नेक्स्ट मंथ की टाइम वैल्यू होगी वो ऐड होगी, या फार मंथ में ट्रेड करोगे तो और टाइम वैल्यू ऐड होगी, तो विक्स की वजह से जो प्रीमियम कम थे वो प्रीमियम वापस ऊपर चले जाएंगे टाइम वैल्यू की वजह से। तो आपको क्या करना है, जब विक्स का लेवल नीचे हो, क्योंकि विक्स को आप ऊपर नहीं ले जा सकते, वॉलेटिलिटी जो मार्केट में चल रही है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा,
मैं टाइम टू एक्सपायरेशन बढ़ा दूंगा क्योंकि वो मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो करंट मंथ को भी ट्रेड कर सकता हूं, मैं चाहूं तो नेक्स्ट को भी ट्रेड कर सकता हूं या फार मंथ को भी ट्रेड कर सकता हूं। तो वो चीज मेरे हाथ में है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टाइम वैल्यू ऐड कर दूंगा और वोलेटिलिटी की वजह से जो प्रीमियम कम थे उनको मैं टाइम वैल्यू से और वापस ऊपर कर दूंगा। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो लो विक्स में तो ये तरीका है, इसके थ्रू आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। तो चलिए, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया जहां पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि लो विक्स में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपका ट्रेड सेटअप होना चाहिए। तो अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और आज का जो आपके लिए सवाल है कि सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू कौन से स्ट्राइक प्राइस पे होती है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पिछली वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था, मैंने उस वीडियो में बताया है कि कहां पे हाईएस्ट टाइम वैल्यू आपको मिलती है। तो उसी के बेसिस पे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आपने पीछे देखा है कि आपको याद है या नहीं। तो ये है सवाल आपके लिए कि हाईएस्ट टाइम वैल्यू कौन से स्ट्राइक प्राइस पे होती है, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मंथ के एंड में जिसने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए होंगे उनको एक वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।